हेलो गाइस, मैं हूं कपिल जांगिड और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है व्हाट टू बाय। तो कई बार आप दो प्रोडक्ट्स को लेके जो आपस में कंफ्यूज जाते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, लेजर जेट प्रिंटर हो या इंकजेट प्रिंटर हो, तो इस प्लेलिस्ट में जो मैं इस टाइप की वीडियो बनाने वाला हूं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और आप क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो इस वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ। मैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ और मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा, उन पॉइंट्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। पहला पॉइंट अगर हम रखें कॉस्टिंग का, तो अगर हम एक तरफ लेते हैं सेम फीचर्स वाला डेस्कटॉप और दूसरी तरफ लेते हैं सेम फीचर्स वाला लैपटॉप, तो जो आपका डेस्कटॉप है वो हमेशा आपके लैपटॉप के मुकाबले सस्ता रहेगा। तो कॉस्टिंग के मामले में जो है डेस्कटॉप हमेशा बेटर रहता है, हालांकि इतना अंतर रहता नहीं है, लेकिन आपको हमेशा जो है डेस्कटॉप आपको सस्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम रखें पोर्टेबिलिटी का, तो सब जानते हैं पोर्टेबिलिटी में लैपटॉप और डेस्कटॉप का कोई कंपैरिजन नहीं है। लैपटॉप काफी छोटा होता है, उसे फोल्ड किया, बैग में डाला, जिधर ले जाना चाह ले जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन है आपको या फिर ट्रेवल करते हैं आप बहुत ज्यादा, या फिर आपको अपने सिस्टम की जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ जाती है, तो लैपटॉप जो है बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ हम देखें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप काफी बड़ा तामझाम होता है, काफी भारी तामझाम होता है। सीपीयू, एलईडी, एलसीडी जो भी आप यूज करते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, इसके अलावा स्पीकर्स होते हैं, तो काफी जगह लेता है ये। और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो काफी टाइम और मेहनत दोनों लगती है। तो इस मामले में जो है लैपटॉप हमेशा बेटर रहता है और आपस में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तीसरी बात अगर हम करें लाइफ की, जो काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एक नॉर्मल कंप्यूटर की जो लाइफ होती है वो डेस्कटॉप की जो लाइफ होती है वो 5 साल की होती है, वहीं दूसरी तरफ जो एक नॉर्मल लैपटॉप की लाइफ होती है वो 3 साल की होती है। उसके बाद में हमें इन प्रोडक्ट्स को जो अपग्रेड या फिर इनमें कुछ सुधार कराने की जरूरत पड़ जाती है, और हम जानते हैं लैपटॉप को अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में जो है हमेशा डेस्कटॉप ही बेटर रहता है। और अगली बात अगर हम करें अपग्रेडिंग की, तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर को अपग्रेड कराना कितना आसान है। आपको जिस पार्ट को भी आप अपग्रेड कराना है आप उसे डायरेक्टली अपग्रेड करा सकते हैं। वही दूसरी बात अगर हम करें लैपटॉप की, तो अगर आपका लैपटॉप रैम को अपग्रेड करना सपोर्ट करता है, तो आप एक सिर्फ रैम अपग्रेड करा सकते हैं, इसके अलावा आप लैपटॉप का कोई भी पार्ट अपग्रेड नहीं करा सकते। तो इस बेस पे जो है डेस्कटॉप हमेशा ही बेटर रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें गेमिंग की, तो कई लोग हैं जो बहुत गेमिंग का काफी उनको शौक है। अगर आप गेमर है और आप गेम्स के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो डेस्कटॉप है वो हमेशा बेस्ट चॉइस रहेगी गेमिंग के लिए लैपटॉप के मुकाबले। क्योंकि अगर आप गेम्स खेलते रहते हैं, आप नए नए गेम्स ट्राई करते रहते, तो आप जानते हैं कि आपको हाई ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, और आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को जो है आसानी से अपग्रेड करा सकते हैं अपने नए गेम के लिए भी, और काफी अच्छा होता है एक्सपीरियंस डेस्कटॉप में गेम खेलने का। इसके अलावा अगर हम लास्ट टॉपिक रखें रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग के मामले में डेस्कटॉप ही बेटर होता है, क्योंकि डेस्कटॉप को रिपेयर कराना सस्ता पड़ता है। इसके अलावा लैपटॉप की अगर बात करें, तो लैपटॉप को रिपेयर कराना महंगा पड़ता है और आसानी से रिपेयर होता भी नहीं है। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स रखे हैं और इन पॉइंट्स के बेस पे मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आप अगर ट्रेवल करते हैं, आपको जो भारी भरकम तामझाम नहीं चाहिए, आपको छोटा सा चाहिए जिसे आप अपनी गोद में रख के भी चला ले, तो उस बेस पे तो लैपटॉप ही बेस्ट है आपके लिए। अगर हम दूसरी तरफ और अदर चीजों की बात करें, चाहे वो कॉस्टिंग हो या फिर गेमिंग पर्पस हो या फिर और कोई भी कारण हो, तो उस बेस पे आपके लिए डेस्कटॉप ही बेटर रहेगा हमेशा। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर मैंने इस वीडियो में कोई टॉपिक छोड़ दिया, कोई पॉइंट छोड़ दिया, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो वहाँ मेरा यूजर नेम है कपिल जांगिड 11। फेसबुक पे अगर आप मुझे लाइक करना चाहते हैं मेरे पेज को, तो मेरे पेज का URL facebook.com/IAM कपिल जांगिड 11। इसी के साथ आपको जो ये लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।